brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के एक काफिले पर हमला किया था और अब हमला करने वाले उन 3 आतंकियों की पहचान हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले 3 आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी सेना के पूर्व कमांडो इलियास, प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा के हदून और अबू हमजा के तौर पर हुई है। इन आतंकवादियों की सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें भी सामने आई है। ये सभी लश्कर ए तैयबा के आतंकी बताए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा कि इन तस्वीरों में एक आतंकी पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो है। इनमें से एक तस्वीर अबू हमजा की है जो एलईटी का कमांडर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध आतंकवादियों में से 2 के स्केच जारी किए थे। हमजा को आखिरी बार नारंगी और भूरे रंग का पठानी सूट पहने देखा गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने पर इनाम की घोषणा भी की है। आपको बता दें, 4 मई को पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के वाहन पर हमला हुआ था। इसमें 5 जवान घायल हो गए थे, बाद में 1 जवान शहीद हो गया था। उसके बाद लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा। उसी दिन से आतंकियों की धरपकड़ के लिए जंगलों को खंगाला जा रहा है। इसी के साथ करीब 18 से 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी घने जंगल वाले इलाके में भाग गए हैं, जहां प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी छिपने की जगह के तौर पर करते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए AK-47 राइफल, अमेरिकी निर्मित M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया था। फिलहाल इन आतंकियों की तलाश जारी है। हालांकि कुलगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। लश्कर ए तैयबा के कमांडर और कश्मीर में आतंकी संगठन TRF का प्रमुख बासित अहमद डार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने इस संयुक्त अभियान में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। डार का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये वही आतंकी है जिसने घाटी में कई कश्मीरी पंडितों समेत प्रवासियों की टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। बासित डार के नेतृत्व में ही TRF ने पिछले 5 सालों के दौरान घाटी में कई हमले किए। आतंकी बासित डार सुरक्षा बलों की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में था और उस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था। उसे आतंकियों की A++ श्रेणी में डाला गया था। हालांकि वो दिन भी दूर नहीं जब वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों को भी सुरक्षा बल उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।